ओम शांति। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 2968। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज ऑफ द 2968। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। द स्पिरिचुअल फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स टू द वेरी स्वीट स्पिरिचुअल चिल्ड्रन कि रूह ही सब कुछ समझती है। इट इज द सोल हु अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। एट प्रेजेंट द फादर टेक्स यू चिल्ड्रन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया। दैट इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल डिवाइन वर्ल्ड। बच्चे समझते हैं दैवी दुनिया थी। द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट द डिवाइन वर्ल्ड डिड एग्जिस्ट। अभी तो मनुष्यों की दुनिया है। नाउ इट इज द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्या अंतर है दैवी दुनिया में और मनुष्यों की दुनिया में? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिवाइन वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स? मनुष्य की दुनिया तमो प्रधान। समवन सेड द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज तमो प्रधान। रजो प्रधान भी तो होती है। इट इज ऑल्सो रजो प्रधान। समवन सेड द माइंड इज इनकॉन्स्टेंट। मनुष्यों की दुनिया में इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मन होता है प्रधान। द माइंड इज डोमिनेंट। और मन चलायमान भी होता है। एंड इट इज इनकॉन्स्टेंट टू। और दैवी दुनिया में एंड इन द डिवाइन वर्ल्ड दिव्यता है। देर इज डिविनिटी। रूहानियत है। देर इज स्पिरिचुअलिटी। हरेक को अपनी आत्मा का स्वरूप याद है। Everyone remembers the form of his soul. वो दैवी दुनिया तो बहुत ही पवित्र थी। That divine world was highly pure. अर्थात मनुष्य बहुत पवित्र थे। Meaning the human beings were highly pure. पवित्रता के कारण मन की एकाग्रता थी। Because of purity, there was the concentration of the mind. मन की एकाग्रता होने से as the mind was focused, इंद्रियां भी निश्चल थी। The indriya were also calm. Indriya, meaning parts of the body that perform actions and sense organs. चंचलता नहीं थी। There wasn't unsteadiness in them. अभिविचारी वृत्ति थी। The vibrations were unadulterated. अभी तो हम सब अपवित्र हैं। Now we all are impure. इसलिए उन देवताओं का गायन पूजन आदि करते हैं। This is why we praise and worship those deities. ये स्मृति में है। You have this in your mind. कि बरोबर पहले पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। That there will definitely be only one religion in the Kalpa tree in the beginning. विराट रूप में भी also in the picture of the universal form of God झाड़ को समझाना जरूरी है। You certainly have to explain about the Kalpa tree. इसलिए झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। That is why the seed of the tree is above. और झाड़ का बीज है बाप। And the seed of the tree is the father. फिर जैसा बीज वैसा फल अथवा पौधे निकलते हैं। Then as the seed so are the fruits and plants which grow from it. तो ये वंडर है। So this is a wonder. कि कैसे कैसे बीज बदलता जाता है और पौधे भी बदलते जाते हैं। How the seeds change and the plants also change according to it. कितनी छोटी सी चीज है और कितना फल देती है। It is such a small thing but gives so many fruits. उन बीज का कितना रूप बदलता जाता है। The form of that seed keeps changing so much. इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ रूपी झाड़ को
कोई भी जानता नहीं है। दैट इज वाई नो वन नोज द ट्री लाइक ह्यूमन क्रिएशन। उनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। दैट इज कॉल्ड द कल्पा ट्री। सारे कल्प का एक ही वृक्ष है। देर इज ओनली वन ट्री फॉर द एंटायर कल्पा मीनिंग साइकिल। जिसका वर्णन गीता में है। विच इज डिस्क्राइब्ड इन द गीता। क्या वर्णन है? वॉट इज द डिस्क्रिप्शन? ऊलम मूलम मदशाखा अश्वत्थम आहुरव्ययम्। ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् मीनिंग द ट्री लाइक ह्यूमन क्रिएशन इज इम्पेरिशेबल। इट्स रूट्स आर अपवर्ड्स एंड द ब्रांचेस आर डाउनवर्ड्स। अव्ययम् अर्थात अव्ययम् मीन्स खर्च नहीं होता, व्यय नहीं होता, नष्ट नहीं होता। इट इजंट एग्जॉस्टेड स्पेंट और डिस्ट्रॉयड। अविनाशी है। इट इज इम्पेरिशेबल। शास्त्र भी नंबर वार होते हैं। द स्क्रिप्चर्स आर ऑल्सो नंबर वाइज मीनिंग दे हैव डिफरेंट वैल्यूज और इम्पोर्टेंस। ये सभी जानते हैं गीता ही नंबर वन धर्म का शास्त्र है। एवरी वन नोज दैट ओनली द गीता इज द स्क्रिप्चर ऑफ द नंबर वन रिलीजन। जैसे नंबर वार धर्मों की स्थापना होती है। जस्ट एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन टेक्स प्लेस नंबर वाइज मीनिंग वन आफ्टर द अदर। ऊंचे ऊंचे धर्म पहले। द हाइएस्ट ऑन हाई रिलीजन कम्स फर्स्ट। फिर नंबर वार नीचे धर्म बाद में आते जाते हैं। देन द इन्फीरियर रिलीजन्स वन लोअर देन द अदर कीप कमिंग लेटर। ये परिवर्तन क्यों होता है? वाई डज दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैपन? काल चक्र सत्तो प्रधान से तामस की ओर बढ़ता है। द व्हील ऑफ टाइम काल चक्र मूव्स फ्रॉम द सत्वप्रधान स्टेज टू तामस मीनिंग द स्टेट ऑफ बीइंग डोमिनेटेड बाय डार्कनेस और इग्नोरेंस। उस काल चक्र के हिसाब से जो धर्म जिस टाइम पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट व्हील ऑफ टाइम विच एवर रिलीजन कम्स एट वॉट एवर टाइम उतनी ही निम्न गति को पाते हैं। इट रीचेज अ लोअर स्टेट टू दैट एक्सटेंट। ये बात भी सिर्फ तुम समझते हो। यू अलोन अंडरस्टैंड दिस एज वेल। और कोई धर्म वालों में ये ज्ञान नहीं है। पीपल ऑफ नो अदर रिलीजन हैव दिस नॉलेज। तुम्हारी बुद्धि में है कि पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है और फिर उसमें और धर्मों की कैसे वृद्धि होती है। द ट्री ऑफ विच रिलीजन इज फर्स्ट एंड देन हाउ द एडिशन ऑफ अदर रिलीजन टेक्स प्लेस इन इट दिस इज इन योर इंटेलेक्ट। जब आदि में एक ही धर्म था। वेन देर वॉज ओनली वन रिलीजन एट द बिगिनिंग। तो और धर्मों की वृद्धि कैसे हो गई? हाउ डिड द एडिशन ऑफ अदर रिलीजन टेक प्लेस? क्या कारण हुआ? वॉट वॉज द रीजन? है संघ का रंग लगता है। देर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द कलर ऑफ द कंपनी। उनको कहा जाता है विराट नाटक। इट इज कॉल्ड द वास्ट ड्रामा। तो बच्चों की बुद्धि में सारा झाड़ है। सो द एंटायर ट्री इज इन द इंटेलेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है ये मुख्य बात है। हाउ द ट्री ओरिजिनेट्स इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है। द पार्ट ऑफ द ट्री रिप्रेजेंटिंग द डेटीज डज नॉट एग्जिस्ट नाउ। और सभी टारटारियां खड़ी हैं। ऑल द अदर ब्रांचेस आर अपराइट। ऐसे भी नहीं कहेंगे बिल्कुल नहीं है। इट वोंट बी सेड दैट इट दैट इज द डेटी रिलीजन डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। कहेंगे प्रायः लोप है। इट विल बी सेड दैट इट इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट।
देवी देवता सनातन धर्म की जड़ दिखाई नहीं देती है। द रूट ऑफ द एंशिएंट डेटी रिलीजन इज नॉट विजिबल। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है। द फाउंडेशन ऑफ द एंशिएंट डेटी रिलीजन डज नॉट एग्जिस्ट। देखने में भी नहीं आता। इट इज नॉट विजिबल ईदर। ये भी गायन है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। इट इज ऑल्सो फेमस दैट गॉड एस्टेब्लिशेज द वन एंशिएंट डेटी रिलीजन। उसको स्थिरियम कर देते हैं। ही मेक्स इट स्टेबल। और बाकी सब धर्म ऑल द रिमेनिंग रिलीजन्स अस्थिर होते होते विनाश को प्राप्त करते हैं। कंटिन्यू टू बिकम अनस्टेडी एंड आर डिस्ट्रॉयड। अभी तुम जानते हो हमारे दैवी धर्म की स्थापना हो रही है। नाउ यू नो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अवर डेटी रिलीजन इज टेकिंग प्लेस। तो कितना छोटा सा दैवी झाड़ होगा। सो हाउ स्मॉल द डिवाइन ट्री विल बी। कितना छोटा सा होगा। हाउ स्मॉल विल इट बी। है Someone said something. कोई मियाद है। Is there any count of the leaves? और फिर सभी इतने धर्म होंगे ही नहीं। Then so many religions will not exist at all. और धर्मों का विनाश हो जाएगा। The other religions will be destroyed. झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है। The tree is small at first. Later on, it grows big. देखो झाड़ अभी बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा हो गया। Now look how big the tree has become while growing gradually. कितना बड़ा हो गया है। How big has it become? 500-700 crore पत्तों वाला झाड़ हो गया। It has become a tree with 5 to 7 billion leaves. और पहले? And how was it in the beginning? पहले पहले जब फाउंडेशन पड़ा नए झाड़ का। When the foundation of the new tree was laid in the beginning, तो कितने पत्तों का था। How many leaves did it have? 8 अविनाशी पत्ते हैं। There are 8 indestructible leaves. कौन से धर्म के हैं। To which religion do they belong? देवी देवता सनातन धर्म में भी। इवन इन द एंशिएंट डेटी रिलीजन जो सूर्यवंशी कुल है डायरेक्ट सूर्य की औलाद। दोज ऑफ द सन डायनेस्टी आर द डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ द सन। कितना छोटा झाड़ था। सो स्मॉल वॉज द ट्री। अभी बड़ा हो गया। नाउ इट हैज ग्रोन बिग। अभी इनकी आयु पूरी होती है। नाउ इट हैज रीच्ड इट्स कम्प्लीट एज मीनिंग लाइफ। इससे बनियन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। ही एक्सप्लेन्स दिस विद द एग्जाम्पल ऑफ द बनियन ट्री वेरी वेल। क्यों। वाई। बनियन ट्री जैसा वृक्ष है क्या दुनिया में या भारत में और कहीं नहीं है। इज देर नो अदर ट्री लाइक द बनियन ट्री एल्सवेयर इन भारत दैट इज इंडिया और इन द वर्ल्ड। इतने बड़े बड़े बरगद के वृक्ष है और भी तो है। देर आर अदर एनॉर्मस बनियन ट्रीज लाइक दिस एज वेल aren't there? इस बनियन ट्री से ही क्यों मिसाल देते हैं। वाई डज ही गिव द एग्जाम्पल ऑफ ओनली दिस बनियन ट्री। है क्योंकि ज्ञान सूर्य पूर्व दिशा से ही निकलता है। इट इज बिकॉज The sun of knowledge rises only from the east. भारत पूर्वीय सभ्यता का देश है। भारत इज अ कंट्री ऑफ द ईस्टर्न सिविलाइजेशन। जहाँ से सूर्योदय होता है। फ्रॉम वेयर द सन राइजेज। उसमें भी पश्चिम बंगाल जहाँ भगवान बाप गॉड फादर आकर के सूर्य को पहले पहले ज्ञान देते हैं। इवन इन दैट भारत
it is West Bengal, where God the Father gives the knowledge to the Son first of all when He comes. जिससे सूर्यवंश की उत्पत्ति होती है. The origin of the Sun dynasty takes place from him. अभी तुम जान गए हो. Now you have come to know. ये भी गीता है. This is also the Gita. परंतु तुम जानते हो कि बाप तो सन्मुख बैठ समझाते हैं. Well, you know, the father sits face to face and explains to you. जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो. From this you become the king of kings. फिर भक्ति मार्ग में गीता शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं. Then in the path of bhakti they sat and made the Gita and other scriptures. और ये भी अनादि ड्रामा बना हुआ है. And this eternal drama has already been made. फिर भी ऐसे ही होगा. It will happen in the same way again. फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे. Then the religions that will be established will have their own scriptures. क्राइस्ट का बाइबल. The Christians will have the Bible of Christ. बौद्धियों का अपना शास्त्र. The Buddhists will have their own scripture. सिख धर्म का अपना शास्त्र होगा. And the Sikh religion will have its own scripture. तो अभी तुम्हारी बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है. Now the history and geography of the world is dancing in your intellect. तुम्हारी बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है. Your intellect is doing the dance of knowledge. तुम सारे झाड़ को जान गए हो. You have come to know about the entire tree. कि कैसे कैसे कब कब कौन से धर्म आते हैं. How and when which religions come. और फिर कैसे वृद्धि को पाते हैं. And then how they prosper. फिर लास्ट में अपना एक धर्म स्थापन होता है. Then at last the establishment of the one religion of ours takes place. और बाकी सभी खलास हो जाते हैं. And all the others are destroyed. गाते भी हैं. ज्ञान सूर्य प्रकटा ज्ञान अंधेर विनाश. इट इज ऑल्सो सेड द सन ऑफ नॉलेज अपियर्स एंड द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस इज डिस्ट्रॉयड. ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश. अज्ञान का अंधेरा फैलाने वाले और उनके फॉलोअर्स सब का विनाश हो जाता है. All those who spread the darkness of ignorance and their followers are destroyed. अभी तो बिल्कुल अंधेरा है. Now there is total darkness. कितने ढेर मनुष्य हैं. There are numerous human beings. फिर नई दुनिया में इतने सभी होंगे ही नहीं. Then there won't be so many in the new world at all. इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में ये इतने नहीं थे. There weren't so many people in the kingdom of these Lakshmi and Narayan. तो अब फिर वो ये एक धर्म की स्थापना हो रही है. So the establishment of that one religion is taking place once again now. जिसकी नॉलेज बाप ही आकर के सुनाते हैं. Only the father narrates this knowledge when he comes. तुम बच्चे कमाई के लिए कितनी नॉलेज आकर पढ़ते हो. You children come and study so much knowledge to earn. बाप टीचर बनकर के आते हैं. When the father comes in the form of the teacher. तो आधा कल्प के लिए तुम्हारी पूरी कमाई का प्रबंध हो जाता है. The complete arrangement for your earning for half a cycle takes place. फिर आधा कल्प तुमको कोई कमाई करने की दरकार नहीं रहती. Then you don't need to earn for half a cycle at all. तुम बहुत धनवान बन जाते हो. You become very wealthy. तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं. You know we are studying now. और ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई है. And this is the study of the indestructible gems of knowledge. अविनाशी कैसे. How is it indestructible? संगम युग में ज्ञान रत्नों का विनाश नहीं होगा.
won't the gems of knowledge be destroyed in the confluence age? Prarabdha paalenge. We will reap the fruits. Gyan hamari atma mein merge ho jayega. The knowledge will merge in our soul. Aur divyata emerge ho jayegi. And divinity will emerge. Devi gun emerge ho jayenge. Divine qualities will emerge. To kahenge. So it will be said. Gyan ki prarabdha avinashi mil gayi. We have received the indestructible fruit of knowledge. Bhakti ko avinashi gyan ratan nahi kahenge. Bhakti will not be said to be the indestructible gems of knowledge. जो सच्चाई होती है उसका कभी विनाश नहीं होता है. ट्रूथ इज नेवर डिस्ट्रॉयड. नहीं होता है. इट इज अनडिस्ट्रॉयड. तो त्रेता के बाद जब द्वापर आता है. व्हेन द कॉपर एज कम्स आफ्टर द सिल्वर एज. तो ज्ञान रत्नों का विनाश नहीं हो जाता है. Aren't the gems of knowledge destroyed? दिव्यता का विनाश नहीं हो जाता है. Isn't the divinity destroyed? आत्मिक स्थिति खलास नहीं हो जाती है. Isn't the soul consciousness destroyed? है क्या प्राय है लोप होता है. What students? It becomes almost extinct. It becomes almost extinct. मना ये नहीं कहेंगे. Meaning it won't be said कि मनुष्य मात्र में से दिव्यता का लोप हो जाता है. The divinity vanishes from all the human beings. सृष्टि के आदि में पहले पहले विष्णु प्रत्यक्ष होता है. Vishnu is revealed at first in the beginning of the world. तो आदि सो अंत में भी. So as in the beginning, so in the end too. वो स्टेज धारण करने वाली आत्माओं का समूह देखने में आता है. The gathering of the souls who attain such a stage becomes visible. भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उससे घाटा ही घाटा होता है. Human beings incur a loss and only loss by whatever they study in the path of bhakti. उस पढ़ाई से रतन नहीं बनते हैं. They don't become like gems through that study. और ज्ञान रत्नों का सागर एक ही बाप कहा जाता है. Only the one father is called the ocean of the gems of knowledge. बाकी तो सब है भक्ति. Everything else is bhakti. भक्ति अर्थात बुद्धि अंधकार की ओर भागती रहती है. अज्ञानता की ओर भागती रहती है. अंधविश्वास की ओर भागती रहती है. भक्ति मीन्स द इंटेलेक्ट कीप्स रनिंग टुवर्ड्स डार्कनेस इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ. अंधश्रद्धा में जाती रहती है. इट कीप्स रनिंग टुवर्ड्स सुपरस्टिशन. इसलिए भक्ति को रतन नहीं कहेंगे. This is why bhakti will not be called a gem. Bhakti mein koi bhi aim object nahi hai. There is no aim and objective in bhakti at all. Aur kamai bhi nahi hai. And there is no earning either. Isliye phir pet ke liye alag se dhande karne padte hain. That is why people have to take up other occupations for their livelihood. पेट के लिए मेहनत बढ़ती जाती है. देर इज मोर एंड मोर हार्डवर्क इन्वॉल्व इन अर्निंग अ लिविंग. घाटा हो जाता है. दे इनकर अ लॉस. नहीं तो कमाई के लिए स्कूल में पढ़ते हैं. अदरवाइज पीपल स्टडी इन स्कूल्स टू अर्न. फिर भी कुछ करने के लिए अच्छे गुण दान करने के लिए गुरु के पास जाते हैं. स्टिल इन ऑर्डर टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू असिमुलेट गुड वर्च्यूज दे गो टू गुरुज. तो गुरु से गुण मिलने चाहिए. सो दे शुड ऑब्टेन वर्च्यूज फ्रॉम दोज गुरुज. परंतु वो गुरु है एक जन्म के लिए. हावेवर दोज गुरुज आर फॉर वन बर्थ. अल्पकाल के लिए. फॉर अ शॉर्ट टाइम. अल्पकाल का फल देते हैं. दे गिव फ्रूट फॉर अ शॉर्ट टाइम. कोई जवानी में गुरु करते हैं.
सम हैव अ गुरु ऑफ देयर ओन इन देयर यूथ, कोई बुढ़ापे में करते हैं। सम हैव अ गुरु इन ओल्ड एज, कोई छोटेपन में ही गुरु कर देते हैं। एंड सम हैव अ गुरु इन देयर चाइल्डहुड इटसेल्फ, छोटेपन में ही संन्यास ले लेते हैं। दे अडॉप्ट रिनन्सिएशन इन द चाइल्डहुड इटसेल्फ, कुंभ के मेले पर बहुत छोटे छोटे नागे आते हैं। मेनी यंग नेकेड एसेटिक्स दैट इज नागे कम इन द फेयर ऑफ कुंभ, मीनिंग द फेस्टिवल हेल्ड एवरी 12th ईयर एट अलाहाबाद, हरिद्वार एंड अदर सेंटर्स। कहाँ की यादगार है? When is it a memorial of, someone said, of the confluence age. कैसे? How? है? अंत में ऐसे निकलेंगे जो लास्ट सो फास्ट चले जाएंगे। सच पीपल हु कम लास्ट बट गो फास्ट विल कम एट द एंड, लास्ट में आने वाले माने बहुत छोटे। दोज हु कम लास्ट मीन्स दोज हु आर वेरी यंग, और नागे माने, एंड नागे मीन्स आत्म की स्टेज को सहज ही धारण करने वाले। दोज हु इजीली अटेन द सोल कॉन्शियस स्टेज, सत्युग में तो ये कुछ भी नहीं होगा। नथिंग लाइक इट विल बी देयर इन द गोल्डन एज, तुम बच्चों की स्मृति में सभी बातें आ गई हैं। एवरीथिंग हैज कम इन द इंटेलेक्ट ऑफ यू चिल्ड्रन, रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को तुम जानते हो। यू नो द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड ऑफ द क्रिएटर एंड द क्रिएशन, उन्होंने तो कल्प की आयु ही बड़ी कर दी। दे हैव मेड द ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल इटसेल्फ लॉन्ग, तो आदि मध्य अंत को जानने की बात ही खत्म हो जाती है। सो द वेरी क्वेश्चन ऑफ नोइंग द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड डज नॉट अराइज एट ऑल, लाखों वर्ष की बात को कोई पूछने का भी साहस नहीं करेंगे। नो वन विल डेयर टू इवन आस्क एनीथिंग अबाउट अ साइकिल ऑफ 100,000 इयर्स, ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया। दे हैव सेड गॉड टू बी ओमनी प्रेजेंट, क्योंकि ज्ञान का कुछ पता तो है नहीं। Because they certainly don't know anything about the knowledge. तो अभी बाप आकर के ज्ञान नींद से सुजाग करते हैं। So now the father comes and awakens us from the sleep of ignorance. तो तुमको ज्ञान की धारणा हो जाती है। Then you assimilate knowledge. तुम्हारी आत्मा की बैटरी भरती जाती है। The battery of your soul goes on charging. ज्ञान से ही कमाई होती है। There is an earning only through knowledge. भक्ति से घाटा होता है। There is a loss through भक्ति, कोई ज्ञान में आने के बाद भी भक्ति छोड़ नहीं पाते हैं। Some are unable to leave भक्ति even after entering the path of knowledge. तो घाटा भी होता है और साथ साथ थोड़ा बहुत ज्ञान धारण करते हैं तो कमाई भी होती है। They suffer a loss as well as make earning as they also assimilate knowledge to some extent. घाटा भी होता रहे। If there is continuous loss, और कमाई भी होती रहे। While you are also earning continuously, तो भविष्य के लिए बचेगा क्या? What will be left for the future? टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है, When the period of loss is complete, when it is the time, तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं। The father comes to make us earn again. इसलिए गीता शास्त्र में लिख दिया है। That is why it has been written in the scripture गीता। संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। अर्थात हरियुग की चार अवस्थाएं एक कल्प की यादगार है। इट मीन्स द फोर स्टेजेस ऑफ इच एज इज द मेमोरियल ऑफ अ साइकिल, अर्थात हरियुग के अंत में, मीनिंग
एट द एंड ऑफ एवरी एज। तामसी स्टेज को खत्म करने के लिए बाप कमाई करने के लिए प्रत्यक्ष हो जाते हैं कराने के लिए। द फादर रिवील्स हिमसेल्फ टू एंड द डिग्रेडेड स्टेज एंड टू मेक अस अर्न। मुक्ति में जाना तो सभी को है। एवरी वन सर्टनली हैज टू अटेन लिबरेशन, मुक्ति है तो वो भी कमाई। इन फैक्ट दैट इज ऑल्सो अर्निंग, क्योंकि शांति तो सभी मांगते रहते हैं। बिकॉज एवरी वन कीप्स आस्किंग फॉर पीस। जब कहते हैं शांति देवा, व्हेन दे से शांति देवा मीनिंग डेटी ऑफ पीस, तो कोई देने वाला देव है ना। देर इज सम डेटी हु गिव्स, इजंट देर। शांति देने के निमित्त तो बनता है। ही डज बिकम द इंस्ट्रूमेंट टू गिव पीस, डजंट ही। चार चित्रों में यादगार कहाँ दिखाई है। वेयर हैज हिज मेमोरियल बीन शोन फ्रॉम अमंग द फोर पिक्चर्स। है झाड़ के चित्र में शांति देवा का चित्र भी दिखाया है। इन द पिक्चर ऑफ द कल्पा ट्री द पिक्चर ऑफ शांति देवा इज ऑल्सो शोन। तो शांति देवा कहने से बुद्धि कहाँ चली जानी चाहिए। सो वेयर शुड द इंटेलेक्ट गो व्हेन इट इज सेड शांति देवा। बाप की ओर चली जानी चाहिए। इट शुड गो टूवर्ड्स द फादर। बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। द इंटेलेक्ट गोज टूवर्ड्स द फादर। कहते भी है विश्व में शांति हो। इट इज ऑल्सो सेड लेट देयर बी पीस इन द वर्ल्ड। कल्याण हो। लेट इट बी बेनिफिटेड। परंतु वो शांति कैसे होगी ये किसी को भी पता नहीं है। बट नो वन नोज हाउ दैट पीस विल बी ब्रॉट अबाउट। शांति धाम सुख धाम अलग अलग होते हैं। द अबोड ऑफ पीस एंड द अबोड ऑफ हैप्पीनेस आर सेपरेट। सुख धाम का निमित्त अलग, शांति धाम का निमित्त अलग। द निमित्त ऑफ द अबोड ऑफ हैप्पीनेस एंड द निमित्त ऑफ द अबोड ऑफ पीस आर सेपरेट। निमित्त मीनिंग लिटरली इंस्ट्रूमेंट, हियर द हेड ऑफ द रिस्पेक्टिव अबोड्स। कहते हैं ना निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन। इट इज सेड निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन मीनिंग ओ अर्जुन द वन हु एम्स विथ हिज लेफ्ट हैंड जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, इजंट इट। परंतु वो जानते नहीं है। बट दे डोंट नो अबाउट इट। ये जो पहला नंबर था द वन हु वॉज नंबर वन, उनको भी कुछ पता नहीं। डजंट नो एनीथिंग ईदर। जैसे कि जानवर बुद्धि था। इट इज एज इफ ही हैड एन एनिमल लाइक इंटेलेक्ट। और अभी एंड व्हाट अबाउट नाउ। अभी तो तुमको सारी नॉलेज है। नाउ यू हैव द एंटायर नॉलेज। तुम जानते हो हम इस कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आए हैं। यू नो वी हैव कम टू प्ले अवर रोल ऑन दिस कर्म क्षेत्र मीनिंग फील्ड ऑफ एक्शंस वर्ल्ड। कहाँ से आए हैं। फ्रॉम वेयर हैव वी कम। सोल वर्ल्ड से आए हैं। वी हैव कम फ्रॉम द सोल वर्ल्ड। ब्रह्मलोक से आए हैं। ब्रह्मलोक निराकारी दुनिया से। द इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। आए हैं साकारी दुनिया में पार्ट बजाने के लिए। वी हैव कम इन द कॉर्पोरियल वर्ल्ड टू प्ले अवर रोल। पार्ट बजाने के लिए कर्मेंद्रियां चाहिए। टू प्ले अ रोल वी नीड कर्मेंद्रियां मीनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज टू परफॉर्म एक्शंस। तो पांच तत्वों का शरीर धारण करते हैं। सो वी टेक ऑन अ बॉडी मेड ऑफ द फाइव एलिमेंट्स। नहीं तो हम आत्माएं दूसरी जगह की रहने वाली हैं। अदरवाइज वी सोल्स आर द रेजिडेंट्स ऑफ अनदर प्लेस। यहाँ ये पांच तत्वों का शरीर मिलता है। हियर वी गेट दिस बॉडी मेड ऑफ द फाइव एलिमेंट्स। आत्मा अभी कहती है। नाउ द सोल सेज कि मैं शांति धाम क्या रहने वाला हूँ। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ द अबोड ऑफ पीस। यहाँ पार्ट बजाने आया हूँ। आई हैव कम हियर टू प्ले अ रोल।
पार्ट बजाने के लिए शरीर चाहिए। द बॉडी इज रिक्वायर्ड टू प्ले अ रोल। शरीर है तब हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं। वी कैन टॉक और वॉक ओनली व्हेन वी हैव अ बॉडी। नहीं तो परमधाम में आत्मा को चैतन्य कहेंगे या जड़ कहेंगे। अदरवाइज विल द सोल बी कॉल्ड लिविंग और इनर्ट इन द सुप्रीम अबोर्ड। वहाँ तो आत्मा जैसे जड़वत है। इट इज एज इफ द सोल्स आर इनर्ट देयर। आत्मा रूपी पुरुष जब पांच तत्वों के संघात रूपी प्रकृति के संसर्ग में आती है। When the male like soul comes in contact with nature in the form of the collection of the five elements, तो प्रकृति का चोला the body made of the five elements of nature चलायमान हो जाता है, becomes active, उसे कहेंगे चैतन्य पार्टधारी। It will be called a living actor, जीवन धारण करने वाला, the one which has life, जीव आत्मा कहेंगे, a living soul। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे इस ड्रामा के आदि मध्यंत को हम नहीं जानते हैं। नाउ यू विल नॉट से वी डोंट नो द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड ऑफ दिस ड्रामा। हाँ आगे नहीं जानते थे। यस वी डिडंट नो इट अर्लियर। अपने बाप को, घर को, अपने रूप को यथार्थ रीति हम नहीं जानते थे। वी डिडंट नो अवर फादर, अवर होम एंड अवर फॉर्म एक्यूरेटली। अभी जानते हैं। नाउ वी नो। आत्मा 84 का पार्ट बजाती रहती है। दैट द सोल कीप्स प्लेइंग रोल्स इन द 84 बर्थ्स। स्मृति आ गई है। वी हैव रिकलेक्टेड इट। आगे नहीं जानते थे। अर्लियर वी डिडंट नो इट। इसलिए तमो प्रधान पत्थर बुद्धि कहा जाता है। दिस इज वाई वी वर कॉल्ड तमो प्रधान द वंस विद अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगाए दिए। They have written many gossips in the scriptures. वो शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम झूठे बन गए। Studying those scriptures, you have become false. अभी फिर बाप आकर के तुमको सच्चा बनाते हैं। Now the father comes and makes you truthful again. सच्चा बाप आकर के the true father comes. तुमको ऐसा सच्चा बनाते हैं and makes you so truthful कि तुम सच खंड के मालिक बन जाते हो। That you become the masters of the land of truth. सच्चे के ऊपर भी सुखमणि में है। It is written about truth in the Sukhmani as well. Sukhmani, meaning a scripture of the six. सत्य सच्चे खंड को कहा जाता है। The land of truth is called truth. देवताएं भी सच्चे बोलने वाले होते हैं। Deities also speak the truth. ऐसा सच सिखलाने वाला बाप है। इट इज द फादर हु टीचेज अस टू स्पीक सच ट्रूथ। वो ही सच है। ही अलोन इज ट्रू। उसका संग ही सच खंड में प्रारब्ध प्राप्त कराता है। इट इज हिज कंपनी अलोन दैट इनेबल्स अस टू रीप फ्रूट्स इन द लैंड ऑफ ट्रूथ। सच्चा बाप है। He is the true father. सच खंड बनाते हैं। He creates the land of truth. सच ही सिखाते हैं। And teaches only the truth. तुम सच्चे बन जाते हो। You become truthful. सारा भारत सच खंड था। The entire Bharat was the land of truth. नंबर वन ऊंचते ऊंचे तीर्थ भी भारत ही है। It is Bharat which is the number one highest on high तीर्थ, meaning pilgrimage place as well. क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला बाप भारत में ही आते हैं। इट इज बिकॉज द फादर हु ब्रिंग्स द सदगति मीनिंग ट्रू लिबरेशन ऑफ एवरी वन कम्स ओनली इन भारत। भारत में भी कहाँ आते हैं? इवन इन इंडिया वेयर डज ही कम? दक्षिण भारत में आते हैं क्या? डज ही कम इन साउथ इंडिया? उत्तर भारत में तो शास्त्रों में भी कथा कहानियां लिखी हुई है। स्टोरीज हैव ऑल्सो बीन रिटन इन स्क्रिप्चर्स अबाउट गॉड कमिंग इन नॉर्थ इंडिया।
राम भगवान के रूप में आया अयोध्या में. ही केम इन द फॉर्म ऑफ गॉड राम इन अयोध्या. कृष्ण भगवान के रूप में आया मथुरा में. ही केम इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन मथुरा. शंकर भगवान के रूप में आया काशी में. ही केम इन द फॉर्म ऑफ गॉड शंकर इन काशी. परंतु वास्तव में बट इन रियलिटी अनेक तीर्थ होंगे. विल देयर बी मेनी पिलग्रिमेज प्लेसेस. तीर माने किनारा, थ माने स्थान. तीर मीन्स शोर, थ मीन्स प्लेस. अर्थात बुद्धि को एक ठिकाने लगाने वाला स्थान. इट मीन्स द प्लेस दैट फोकसेस द इंटेलेक्ट एट वन पॉइंट. ऊंचे ऊंचे ऐसा तीर्थ जो सारी दुनिया की बुद्धि को एक ठिकाने लगाए देवे. एक होगा या अनेक होंगे. विल देयर बी वन सच हाईएस्ट ऑन हाई पिलग्रिमेज प्लेस दैट फोकसेस द इंटेलेक्ट ऑफ एवरीवन इन द एंटायर वर्ल्ड एट वन प्लेस और विल देयर बी मेनी. तो नॉर्थ इंडिया है. सो इज इट इन नॉर्थ इंडिया. है क्या है. वेर इज इट. ऊंचे ऊंचे तीर्थ है. द हाइएस्ट ऑन हाई पिलग्रिमेज प्लेस राजस्थान में बनता है. इज क्रिएटेड इन राजस्थान. जिसका नाम है माउंट आबू. इट्स नेम इज माउंट आबू. जहाँ दुनिया की सबसे जास्ती पतित से पतित आत्माएं आकर इकट्ठी हो जाती है. वेयर द मोस्ट इम्प्योर सोल्स ऑफ द वर्ल्ड कम एंड गैदर. मानव पतितों का पहाड़ बन जाता है. एज इफ अ माउंटेन ऑफ इम्प्योर सोल्स इज फॉर्म्ड. इसलिए उस स्थान का नाम रखा माउंट आबू. दिस इज वाई द प्लेस इज गिवन द नेम माउंट आबू. तो सर्व की सदगति करने वाला बाप. देयरफॉर द फादर हु ब्रिंग्स द सदगति ऑफ एवरीवन. जो पतित पावन बाप है. द फादर हु इज द प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल वंस. वो भारत में ही आते हैं. कम्स ओनली इन इंडिया. आ करके एक धर्म की स्थापना बाकी सभी धर्मों का विनाश कराए देते हैं. ही फैसिलिटेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन रिलीजन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द अदर रिलीजन्स व्हेन ही कम्स. बाप ने समझाया है. द फादर हैज एक्सप्लेन्ड कि सूक्ष्म बतन में कुछ भी नहीं है. दैट देयर इज नथिंग इन द सटल वर्ल्ड. सूक्ष्म बतन होता ही नहीं. द सटल वर्ल्ड डजंट एग्जिस्ट एट ऑल. ये सभी साक्षात्कार होता है. ऑल दिस इज सीन इन विजन्स. जैसे कि बच्चे स्वप्न देखते हैं. इट इज जस्ट लाइक चिल्ड्रन हैव ड्रीम्स. तो स्वप्न में कुछ होता है क्या. सो डज एनीथिंग हैपन इन ड्रीम्स. कहते भी हैं स्वप्न मात्र है. इट इज ऑल्सो सेड इट वॉज जस्ट अ ड्रीम. ऐसे ही साक्षात्कार भी है. विजन्स आर ऑल्सो लाइक दिस. भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते रहे भक्तों को. इवन इन द पाथ ऑफ भक्ति डिवोटीज केप्ट हैविंग विजन्स. अगर साक्षात्कार आदि न होते. इफ दे डिडंट हैव विजन्स. तो इतने मंदिर इतनी पूजा आदि क्यों होती. वाई वुड सो मेनी टेम्पल्स बी बिल्ट एंड सो मच वर्शिप टेक प्लेस. साक्षात्कार तो करते हैं ना. दे डू हैव विजन्स डोंट दे. साक्षात्कार करते हैं तो फील करते हैं. वेन दे हैव विजन्स दे फील. ये देवताएं पहले चैतन्य में थे. दैट दीज डीटीज एग्जिस्टेड इन अ लिविंग फॉर्म बिफोर. बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनाते हैं या बनते हैं. द फादर एक्सप्लेन्स ऑल द टेम्पल्स एंड सो ऑन दैट आर बिल्ट और नेचुरली क्रिएटेड इन द पाथ ऑफ भक्ति. जो तुमने सुना देखा है वो सभी रिपीट होगा. एवरीथिंग दैट यू हैव लिसन्ड टू और सीन विल रिपीट. ये चक्र फिरता ही रहता है. दिस साइकिल कीप्स रोटेटिंग. ये ज्ञान और भक्ति का खेल बना हुआ है. दिस गेम ऑफ नॉलेज एंड भक्ति इज प्री ऑर्डेंड. हमेशा कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग. इट इज ऑलवेज सेड नॉलेज भक्ति एंड डिटैचमेंट. परंतु इसका डिटेल कुछ भी नहीं जानते. बट दे नो नथिंग एट ऑल अबाउट इट इन डिटेल.
बाप समझाते हैं। द फादर एक्सप्लेन्स। बाप से ज्ञान मिलता है। व्हेन यू गेट नॉलेज फ्रॉम द फादर तो भक्ति से वैराग आ जाता है। यू बिकम डिटैच्ड फ्रॉम भक्ति। अब अपने अपने अंदर झांक के देखना है। नाउ यू शुड लुक विद इन योर सेल्फ एंड चेक कि भक्ति मार्ग के कर्म कांडों से कितना वैराग आया है। टू वॉट एक्सटेंट वी हैव बिकम डिटैच्ड फॉर द कर्म कांड ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति। कर्म कांड मीनिंग राइट्स एंड रिचुअल्स। जब वैराग आता है व्हेन यू बिकम डिटैच्ड तब सच्चे ज्ञान की धारणा होती है। द असिमिलेशन ऑफ ट्रू नॉलेज टेक्स प्लेस। नहीं तो ज्ञान बोल बोल करने का नहीं है। अदरवाइज द नॉलेज इज नॉट समथिंग टू जस्ट टॉक अबाउट। सिर्फ बोल बोल कर लिया। इफ समवन जस्ट स्पोक अ लॉट दूसरों को प्रभावित कर दिया। इन्फ्लुएंस्ड अदर्स। मान मर्तबा ले लिया। एंड टुक रेस्पेक्ट एंड ऑनर। ये रावण का ज्ञान है। देन इट इज रावण्स नॉलेज। रावण बड़ा पंडित था। रावण वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। ज्ञानी मानी था। ही वॉज हाईली नॉलेजेबल। परंतु धारणा में ज्ञान समाया हुआ नहीं था। बट ही डिड नॉट असिमुलेट नॉलेज इन प्रैक्टिस। भक्ति से वैराग नहीं हुआ। ही डिड नॉट हैव डिटैचमेंट फॉर भक्ति। बुद्धि एक तरफ टिकी नहीं हुई थी। हिज इंटेलेक्ट वॉज नॉट फोकस्ड एट वन प्लेस। देवियों की ओर भी बुद्धि भागती रहती थी। हिज इंटेलेक्ट यूज टू रन टूवर्ड्स द देवीज टू। देवीज मीनिंग फीमेल डेटीज। तो बाप बैठ ज्ञान और भक्ति दोनों का डिटेल समझाते हैं। सो द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स द डिटेल्स ऑफ बोथ नॉलेज एंड भक्ति। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। नॉलेज इज डे एंड भक्ति इज नाइट। दिन का कारण क्या है। वॉट इज द रीजन फॉर डे। किस कारण से दिन होता है। देर इज डे ड्यू टू वॉट। अरे सूर्य के कारण दिन होता है। अरे देर इज डे बिकॉज ऑफ द सन। सूर्य नहीं हो इफ देर इजंट द सन तो दिन नहीं होगा। देर वोंट बी द डे। तो ज्ञान दिन कहा जाता है। देर फोर नॉलेज इज कॉल्ड डे। और भक्ति रावण से आती है। एंड भक्ति कम्स फ्रॉम रावण। भक्ति नाम क्यों पड़ा। वाई वॉज द नेम भक्ति गिवन। बुद्धि ठिकाने नहीं बैठती। द इंटेलेक्ट डज नॉट सिट इन वन प्लेस। भागती रहती है। इट कीप्स रनिंग। तो अपने में झांक के देखना है। सो यू शुड लुक विद इन योर सेल्फ एंड चेक। 24 घंटे में इन 24 आवर्स हमारी बुद्धि एक ठिकाने कितनी टिकती है। टू वॉट एक्सटेंट डज अवर इंटेलेक्ट रिमेन फोकस्ड एट वन प्लेस। और कितनी भागती रहती है। एंड हाउ मच डज इट कीप रनिंग। कोई परसेंटेज होगा। विल देर बी एनी परसेंटेज ऑफ इट। नहीं। विल देर नॉट। समवन सेड देर विल बी। तो ज्ञान दिन में है। सो आर वी इन द डे ऑफ नॉलेज। यह भक्ति रूपी रात में है। और इन द नाइट ऑफ भक्ति। अगर कहें ज्ञान दिन में है। इफ वी से वी आर इन द डे ऑफ नॉलेज तो 50% बुद्धि का ठिकाना होना चाहिए ना। देन अवर इंटेलेक्ट शुड बी फोकस्ड एट वन प्लेस अप टू 50% शुडंट इट। हो गया। समवन सेड इट हैज बिकम फोकस्ड। हैज इट। सविता माता को साथ लाया करो। अ स्टूडेंट सेड समथिंग टू द स्टूडेंट ब्रिंग सविता माता अलोंग विथ यू। नहीं तो कोई मानेगा नहीं। अदरवाइज नो वन विल एक्सेप्ट व्हाट यू आर सेइंग।
बाप तो कहते हैं 8 घंटे बुद्धि को ठिकाना दो। द फादर सेज फोकस योर इंटेलेक्ट एट वन प्लेस फॉर 8 आवर्स। कितना? हाउ लॉन्ग? सिर्फ 8 घंटे। जस्ट फॉर 8 आवर्स। तो कहेंगे देन इट विल बी सेड कि ज्ञान सूर्य बुद्धि में प्रगटा। द सन ऑफ नॉलेज हैज रिजन इन द इंटेलेक्ट। नहीं तो निश्चय अनिश्चय के चक्र में बुद्धि चक्कर काटती रहती है। अदरवाइज द इंटेलेक्ट कीप्स स्पिनिंग इन द साइकिल ऑफ फेथ एंड डाउट। वैराग रात का होता है। देयर इज डिटैचमेंट फ्रॉम द नाइट। जब रात से वैराग हो जाता है, व्हेन देयर इज डिटैचमेंट फ्रॉम द नाइट, तो फिर दिन होता है। द डे अराइज। तो भक्ति का वैराग, सो देयर शुड बी डिटैचमेंट फ्रॉम भक्ति। भक्ति में दुख है, देयर इज सोरो इन भक्ति, इसलिए उनसे वैराग आना चाहिए। दैट इज व्हाई यू शुड हैव डिटैचमेंट फ्रॉम इट। सुख का तो कोई वैराग नहीं करते हैं। नो वन हैज डिटैचमेंट फ्रॉम हैप्पीनेस। सुख से प्रीति करते हैं कि वैराग करते हैं। डू वी हैव लव और डिटैचमेंट फ्रॉम हैप्पीनेस। सुख को कोई त्याग थोड़े ही करेंगे। नो वन विल एवर लीव हैप्पीनेस। संन्यास आदि भी दुख के कारण लेते हैं। दे मीनिंग सम अडॉप्ट संन्यास एटसेट्रा बिकॉज ऑफ सोरो। संन्यास मीनिंग रिनाउंसिंग द हाउस होल्ड। नहीं तो कोई भी संन्यासी नहीं बनेगा। अदरवाइज नो वन वुड बिकम अ संन्यासी मीनिंग एसेटिक। कौन से युग से संन्यास लेना शुरू किया? फ्रॉम विच एज डिड पीपल स्टार्ट अडॉप्टिंग संन्यास? द्वापर युग से। फ्रॉम द कॉपर एज। द्वापर युग में भी कब से? सिंस वेन इवन इन द कॉपर एज। समवन सेड बुद्धिज्म। ऐसे नहीं कहेंगे। यस इट वोंट बी सेड दैट कि द्वापर के आदि से ही संन्यास लेना शुरू किया। पीपल स्टार्टेड अडॉप्टिंग संन्यास फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॉपर एज इटसेल्फ। आदि से क्यों नहीं? Why not from the beginning? Someone said सतो प्रधान। हर युग में आदि में सतो प्रधानता होती है। Yes, there is the सतो प्रधान stage in the beginning of every age. सत्वगुण की प्रधानता होने के कारण वहाँ सुख ही होता है। Due to the dominance of the सत्गुण meaning purity, there is only happiness there. तो 500 वर्ष तक या 250 वर्ष तक 300 वर्ष तक सुख की प्रधानता रहती है। Therefore, there is the dominance of happiness for 500 years, 250 or 300 years. तो कोई वैराग नहीं लेता। So, no one renounces the household etc. फिर जब दुख शुरू होता है, लेटर वेन सोरो बिगिन्स, तो वैरागी बनते हैं। दे बिकम एसेटिक्स। स्त्री को नागिन समझ करके चले जाते हैं। दे थिंक ऑफ देयर वाइव्स टू बी अ नागिन एंड गो अवे। नागिन मीनिंग शी स्नेक। समझते हैं कि स्त्री विष का डंक मारती है। They think that the wife injects poison. इसलिए छोड़कर चले जाते हैं। This is why they go away leaving her. बुद्धि में बैठता है उल्टा ज्ञान। The wrong knowledge sits in their intellect. कि पवित्रता में सुख है। There is happiness in purity. और अपवित्रता में रहेंगे। And if we stay impure, तो दुखी रहेंगे। We will remain unhappy. तो क्या लक्ष्मी नारायण अपवित्र होते? So, are लक्ष्मी and नारायण impure? A student, they aren't. उन सन्यासियों से पूछो। Ask those sannyasis. द्वार द्वार पर जाकर कहते हो ओम नमो नारायण। When you go door to door saying, ओम नमो नारायण. Meaning, I bow to the deity Narayan. तो नारायण ने क्या स्त्री को छोड़ दिया था लक्ष्मी को?
सो डिड नारायण लीव हिज वाइफ लक्ष्मी? नारायण वैरागी हुआ था क्या? डिड नारायण बिकम एन एसेटिक? नारायण वैरागी नहीं हुआ। वेन नारायण डिड नॉट बिकम एन एसेटिक, स्त्री को नागिन समझ करके नहीं छोड़ा। एंड लीव हिज वाइफ थिंकिंग हर टू बी अ शी स्नेक, नारायण की पूजा होती है, नारायण इज वर्शिप्ड, तो तुम छोड़ करके क्यों भागे? देन वाई डिड यू रन अवे लिविंग हर, मीनिंग देयर वाइफ। छोड़ के भाग जाने से क्या दुख खत्म हो जाता है दुनिया में? इज सोरो फिनिश्ड इन द वर्ल्ड बाई लिविंग हर एंड रनिंग अवे? आत्मा के अंदर दुख की लहर नहीं आती है? डजंट अ वेव ऑफ सोरो कम इन द सोल? इसे साबित होता है कि स्त्री नागिन नहीं है। दिस प्रूव्स दैट द वाइफ इज नॉट अ शी स्नेक। सच्चाई तो ये है कि आत्मा में ही पांच विकार रूपी नाग बैठे हुए हैं। इन फैक्ट द ट्रूथ इज दैट द फाइव वाइसेस इन द फॉर्म ऑफ स्नेक्स आर सिटिंग इन द सोल इटसेल्फ। जो मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को अपवित्र बनाते रहते हैं। दे कीप मेकिंग द माइंड द इंटेलेक्ट एंड द इंद्रिया इम्प्योर। आजकल तो सन्यासी बड़े बड़े धनवान भी बनते रहते हैं। Nowadays the sannyasis also keep becoming very wealthy। क्योंकि जानते हैं कि संपत्ति के बगैर तो सुख मिल नहीं सकता। बिकॉज दे नो दैट देर कैनॉट बी हैप्पीनेस विदाउट वेल्थ। माया ने वार किया। ऑन बींग अटैक्ट बाय माया तो जंगल छोड़ करके फिर शहरों में घुस जाते संपत्ति प्राप्त करने के लिए। दे लीव द जंगल्स एंड एंटर सिटीज टू ऑब्टेन वेल्थ। विवेकानंद और रामतीर्थ ये दो बड़े बड़े सन्यासी हो गए। विवेकानंद एंड रामतीर्थ वर टू रिनाउंड सन्यासीज। क्या नाम दिया? व्हाट नेम वाज गिवन? विवेकानंद अर्थ क्या हुआ? विवेकानंद व्हाट इज इट्स मीनिंग? विवेक में आनंद लेने वाला। द वन हु टेक्स प्लेजर दैट इज आनंद इन नॉलेज दैट इज विवेक। शास्त्रों में नाम रख दिया नारायण। इन द स्क्रिप्चर्स दे हैव गिवन अ नेम नारायण, मीनिंग नार मीन्स वॉटर, अयन मीन्स हाउस। कौन सा घर है? वॉट इज हिज हाउस? ज्ञान जली ही उनका घर है। द वॉटर ऑफ नॉलेज इट सेल्फ इज हिज हाउस। उसी में आनंद लेते हैं। ही टेक्स डिलाइट ओनली इन इट दैट इज नॉलेज। भक्ति मार्ग में नाम रख दिया विवेकानंद। इन द पाथ ऑफ भक्ति ही इज नेम्ड विवेकानंद। और दूसरा नाम क्या लिया? विच अदर नेम डिड ही टेक? राम तीर्थ। राम तीर्थ कैसा तीर्थ? वॉट काइंड ऑफ तीर्थ? राम राम तीर माने किनारा ठिकाना। तीर मीन्स बैंक्स डेस्टिनेशन। थ माने स्थान। थ मीन्स प्लेस। कैसा किनारा देने वाला स्थान? अ प्लेस विच गिव्स वॉट काइंड ऑफ अ डेस्टिनेशन। नाम रख दिया राम। ही इज नेम्ड राम। जिसमें योगी रमण करते हैं। द वन इन हुम द योगी टेक डिलाइट। सन्यासियों की ताकत द पावर ऑफ द सन्यासीज राम तीर्थ में थी। वॉज प्रेजेंट इन राम तीर्थ। बाकी भक्ति समझाना एज फॉर द रेस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट भक्ति। और भक्ति करना कराना डूइंग एंड मेकिंग अदर्स डू भक्ति ये विवेकानंद का काम था। वॉज द जॉब ऑफ विवेकानंद। दोनों के अलग अलग पुस्तक थे। बोथ रोट सेपरेट बुक्स। पुस्तक जब लिखते थे वेन दे रोट बुक्स तो एकाग्र चित्त होकर के लिखते थे। दे यूज टू राइट इट विथ अ फोकस्ड माइंड। एकाग्र चित्त होकर के बैठते थे। दे सेट विथ अ फोकस्ड माइंड। राम तीर्थ अपना वॉल्यूम बैठ लिखता था। राम तीर्थ यूज टू सिट एंड राइट हिज ओन वॉल्यूम।
मीनिंग बुक। तो शिष्यों को कहा दूर जा करके बैठो। सो ही टोल्ड हिज डिसाइपल्स गो एंड सिट फार अवे, नहीं तो तुम्हारा वाइब्रेशन हमको आ जाएगा। अदरवाइज योर वाइब्रेशंस विल अफेक्ट मी, हम कुछ उल्टा पलटा लिख दूंगा। आई वुड राइट समथिंग रॉन्ग। हा बहुत तीखा कड़ा सन्यासी। ही वॉज अ वेरी शार्प एंड फर्म सन्यासी। नाम भी बहुत है। ही इज ऑल्सो वेरी फेमस। किसका? हु? स्वामी राम तीर्थ का। स्वामी राम तीर्थ। परंतु बाप ऐसे नहीं कहते हैं कि स्त्री को माँ कहो। बट द फादर डज नॉट आस्क यू टू कॉल योर वाइफ मदर। क्या कहते हैं? वॉट डज ही से? है? Someone said brother and sister. हाँ, बाप तो कहते हैं। Yes, the father says स्त्री को भी बहन समझो। Consider even your wife to be your sister. हम ब्रह्मा कुमार। Think I am a ब्रह्म कुमार। और वो ब्रह्मा कुमारी। And she is a ब्रह्म कुमारी। आत्मिक दृष्टि से तो सभी भाई भाई हैं। From the spiritual viewpoint, All are mutually brothers. सन्यासियों की तो बात ही अलग है। The topic of the sannyasis is totally different. राम तीर्थ ने स्त्री को माँ समझा। राम तीर्थ considered his wife to be a mother. तो माँ की बैठ करके बढ़ाई की है। So he sat and praised the mother. ये ज्ञान का रास्ता है। This is the path of knowledge. और वो वैराग की बात अलग है। And the topic of that renunciation is different. वैराग में आकर के स्त्री को माँ कह दिया। He called his wife mother out of detachment. समझते हैं कि भाई बहन में तो फिर भी क्रिमिनल आई हो सकती है। They think that the eyes can still become criminal between brother and sister. लेकिन माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी। बट द आईज विल नॉट बिकम क्रिमिनल बाई यूजिंग द वर्ड मदर। माता में कब खराब ख्याल नहीं जाएगा। नो वन विल एवर हैव बैड थॉट्स फॉर हिज मदर। बहन से भी जास्ती है। शी इज ग्रेटर देन अ सिस्टर। इस्लाम धर्म में तो इन द इस्लाम रिलीजन बहन से भी शादी कर लेते थे। दे यूज टू मैरी इवन देयर सिस्टर। आज भी मुसलमानों की परंपरा में इवन टूडे इन द मुस्लिम ट्रेडिशन हिंदुओं में जिन्हें बहन माना जाता है, दोज हु आर कंसिडर्ड एज सिस्टर्स अमंग द हिंदूज, चाचा की लड़की लाइक पैटर्नल अंकल्स डॉटर, मामा की लड़की मैटर्नल अंकल्स डॉटर, उनको क्या? वॉट डू दे That is the Muslims do with them. उनके साथ शादी कर लेते हैं। They arrange marriages between them. That is the first cousins. बाबा तो कहते हैं। बाबा does say. आज की दुनिया में बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है। In today's world, even a father can have a criminal vision towards his daughter. इसलिए नियम बनाया हुआ है। This is why a rule has been made. कि नौजवान बच्ची को बाप अकेले अपने साथ न रखे। That a father should not keep a young daughter alone with him. साथ लेकर के इधर उधर न जाए। Or take her anywhere along with him. माता को साथ रखना जरूरी है। It is necessary to keep the mother along with her. तो माँ में क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जाएगी। So, no one will ever have a criminal vision for his mother. तो सन्यासी स्त्री को भी माँ समझने लगे। So, the sannyasis started to consider even the wife to be a mother. उनके लिए फिर ऐसे नहीं कहेंगे। For them, people will not say. कि दुनिया कैसे चलेगी। How will the world go on? पैदाइश कैसे होगी। How will reproduction take place? ये तो एक को वैराग आया। It's just that one person became detached. तो माँ कह दिया। So he called the wife mother.
2968 की वाणी का तीसरा पेज, थर्ड पेज ऑफ द वाणी ऑफ द 2968। तो देखो उनकी महिमा कितनी है। सो लुक दे आर प्रेस्ड सो मच। यहाँ तो भाई बहन कहने से भी बहुतों की दृष्टि चली जाती है। हियर द विजन ऑफ मेनी बिकम्स क्रिमिनल इवन ऑन कॉलिंग ईच अदर ब्रदर एंड सिस्टर। ये है ज्ञान की बात। दिस इज अबाउट नॉलेज। वो तो एक की बात है। दैट इज अबाउट जस्ट वन पर्सन। यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर के ढेर भाई बहन है। हियर देर आर न्यूमरस चिल्ड्रन ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा हु आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आपस में क्या संबंध हो गया। सो वॉट रिलेशनशिप डू दे हैव अमंगस्ट ईच अदर। वो तो एक ने करके स्त्री को माँ कहा। दैट वॉज जस्ट वन पर्सन हु कॉल्ड हिज वाइफ मदर। वो तो भक्ति मार्ग हो गया। दैट वॉज द पाथ ऑफ भक्ति। यहाँ तो ज्ञान मार्ग है। हियर इट इज द पाथ ऑफ नॉलेज। यहाँ तो बाप बैठ सभी बातें समझाते हैं। हियर इट इज द फादर हु सिट्स एंड एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। ये भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है ना। दिस वन ऑल्सो हैज रेड द स्क्रिप्चर्स एटसेट्रा हैजंट ही। वो निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है। दैट रिलीजन ऑफ द पाथ ऑफ रिनन्सिएशन दैट इज निवृत्ति मार्ग इटसेल्फ इज डिफरेंट। सिर्फ पुरुषों के लिए है। इट इज मेंट ओनली फॉर मेल्स। वो है द का वैराग्य। दैट इज द लिमिटेड डिटैचमेंट। और तुम्हारा तो सारी दुनिया से वैराग्य है। एंड योर्स इज द डिटैचमेंट फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड। वो हद की बातें हैं। दोज आर द लिमिटेड टॉपिक्स। संगम पर ही बाप आकर के बेहद की बातें समझाते हैं। इट इज इन द कॉन्फ्लुएंस एज अलोन दैट द फादर कम्स एंड एक्सप्लेन्स द अनलिमिटेड टॉपिक्स। तो इसे पुरानी दुनिया से वैराग करना है। सो यू शुड बिकम डिटैच्ड फ्रॉम दिस ओल्ड वर्ल्ड। ये बहुत पतित छी छी दुनिया है। दिस इज एन एक्सट्रीमली इम्प्योर डर्टी वर्ल्ड। यहाँ इसे छी छी दुनिया में शरीर पावन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। कैन द बॉडीज बिकम प्योर हियर इन दिस डर्टी वर्ल्ड और नॉट। है अरे क्या इसे छी छी दुनिया में हियर इन दिस डर्टी वर्ल्ड शरीर पावन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। कैन द बॉडीज बिकम प्योर और नॉट। समवन सेड बाबा दे कैन थ्रू द कलर ऑफ द कंपनी कांट दे। नहीं हो सकते। दे कैन नॉट। क्योंकि मनुष्यों को संग का रंग लगता है। बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर अफेक्टेड बाय द कलर ऑफ द कंपनी। एक भगवान है। इट इज जस्ट गॉड जिसको संग का रंग नहीं लगता है। हु इजंट अफेक्टेड बाय द कलर ऑफ द कंपनी। 500-700 करोड़ पतित मनुष्यों की ये छी छी दुनिया है। दिस इज द डर्टी वर्ल्ड ऑफ द 5-7 billion इम्प्योर ह्यूमन बींग्स। जिनकी बुद्धि में ज्ञान की बातें कभी बैठेंगी ही नहीं। द टॉपिक्स ऑफ नॉलेज विल नेवर सिट इन देयर इंटेलेक्ट एट ऑल। तो वाइब्रेशन को कैसा बनावेंगे। सो हाउ विल दे मेक द वाइब्रेशंस। वो तो वाइब्रेशन को गंदा ही बनावेंगे। दे विल डेफिनेटली मेक द वाइब्रेशंस डर्टी। तो मुट्ठी भर पांडव कैसे दुनिया को चेंज करेंगे। हाउ विल यू हैंडफुल ऑफ पांडवास ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। दुनिया को छोड़ो। लीव अलोन द वर्ल्ड। अपने शरीर के 5 तत्वों को कैसे पावन बनावेंगे। हाउ विल यू मेक द 5 elements ऑफ योर बॉडी प्योर। उनके बीच में रहकर स्टेइंग अमंग देम दैट इज 5-7 billion ह्यूमन सोल्स। इसलिए क्या युक्ति नुदी हुई है। दैट इज वाई वॉट टैक्टिक हैज बीन डिटरमिंड। है पुरानी पतित दुनिया का विनाश। देर विल बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड इम्प्योर वर्ल्ड। फिर श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन रह जाएगा। देन जस्ट द गैदरिंग ऑफ एलिवेटेड सोल्स विल रिमेन। तब श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन में वाइब्रेशन श्रेष्ठ बनेंगे। देन इन द गैदरिंग ऑफ एलिवेटेड सोल्स
द वाइब्रेशंस विल बिकम एलिवेटेड। दृष्टि वृत्ति भी श्रेष्ठ बनेगी। द विजन एंड द वाइब्रेशंस टू विल बिकम एलिवेटेड। और हमारा काम सहज हो जाएगा। एंड अवर टास्क विल बिकम इजी। तो बाप कहते हैं, सो द फादर सेज, आत्मा को नया शरीर सतयुग में ही मिलता है। द सोल गेट्स अ न्यू बॉडी ओनली इन द गोल्डन एज। वहाँ झूठ का नाम निशान नहीं होगा। देर वोंट बी द नेम एंड एनी ट्रेस ऑफ फॉल्सहुड देर। बल तुम्हारी आत्मा यहाँ पवित्र बनती है। ऑल्दो योर सोल बिकम्स प्योर हियर, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र ही रहता है। द बॉडी स्टिल रिमेन्स इम्प्योर। इसलिए बोला शरीर सड़ते जावेंगे। दिस इज वाई इट हैज बीन सेड द बॉडी विल कीप डिकेइंग। चाहे कितना भी पुरुषार्थ करो, नो मैटर हाउ मच पुरुषार्थ दैट इज स्पिरिचुअल एफर्ट यू मेक, शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जावेगी। द बॉडीज विल कीप डिकेइंग एंड द सोल विल गो ऑन बिकमिंग पावरफुल। सड़े हुए शरीर से भी भरपूर ईश्वरीय सेवा लेते रहेंगे। यू विल कीप डूइंग अ लॉट ऑफ डिवाइन सर्विस ऑफ गॉड इवन विद द डिकेड बॉडी। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, अंटिल वी अटेन द स्टेज बियॉन्ड कर्मा दैट इज कर्मातीत अवस्था, और ये शरीर खत्म हो जाए एंड दिस बॉडी फिनिशेज, तब तक शरीर अपवित्र ही रहेगा। द बॉडी विल रिमेन जस्ट इम्प्योर। सोने में खाद पड़ती है, वेन इम्प्यूरिटीज आर मिक्सड इन गोल्ड, तो जेवर भी खाद वाला बन जाता है। द ज्वेलरी मेड ऑफ इट ऑल्सो हैज इम्प्यूरिटीज। खाद निकल जाए, इफ द इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड, तो जेवर भी सच्चा बनेगा। द ज्वेलरी मेड ऑफ इट विल ऑल्सो बी प्योर। ये जो लक्ष्मी नारायण है, इनकी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान है। बोथ द सोल एंड द बॉडी ऑफ दीज लक्ष्मी एंड नारायण आर सतो प्रधान। कौन से लक्ष्मी नारायण की बात की? इट वॉज सेड अबाउट विच लक्ष्मी एंड नारायण, संगम की या सतयुग की? इज इट अबाउट द गोल्डन एज वंस और द कॉन्फ्लुएंस एज वंस? समवन सेड द कॉन्फ्लुएंस एज वंस। सतयुग के नहीं। इज इट नॉट अबाउट द गोल्डन एज वंस? है समवन सेड दे विल बिकम लक्ष्मी एंड नारायण हियर इटसेल्फ, वोंट दे? यस, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। द एम ऑफ अवर लाइफ इज टू बिकम नारायण फ्रॉम अ मैन एंड लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन। अभी तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान काले हैं। नाउ बोथ योर सोल एंड बॉडी आर तमो प्रधान एंड डार्क। आत्मा काम चिच्छा पर बैठ शरीर के साथ काली हो गई है। बाई सिटिंग ऑन द पायर ऑफ लस्ट द सोल हैज बिकम डार्क अलोंग विद द बॉडी। इसलिए कृष्ण को ही श्याम सुंदर कहते हैं। दैट इज वाई कृष्णा हिमसेल्फ इज कॉल्ड श्याम सुंदर, मीनिंग डार्क एंड ब्यूटीफुल। क्योंकि वो नंबर वन में है। बिकॉज ही इज नंबर वन। आत्मा काम चिच्छा पर बैठ काली बन गई है। द सोल हैज बिकम डार्क सिटिंग ऑन द पायर ऑफ लस्ट। अभी नरक को लात मार रहे हैं। नाउ वी आर किकिंग हेल। लात मारना माना बुद्धि से त्यागना। टू किक मीन्स टू रिनाउंस थ्रू द इंटेलेक्ट। तो नंबर वन में ये काला होता है। सो दिस वन बिकम्स डार्क फर्स्ट ऑफ ऑल। कौन? हु? उन्होंने फिर राम को भी काला बना दिया है। दे हैव देन मेड राम डार्क एज वेल। परंतु क्या काला बनाया है? बट वॉट हैव दे मेड डार्क? उसका किसी को भी पता नहीं है। नो वन नोज दिस। आत्मा काली है। इज द सोल डार्क? यह शरीर काला है। और इज द बॉडी डार्क? उन्होंने तो राम को भी काला बना दिया। दे हैव मेड राम डार्क एज वेल।
कहते हैं राम सूर्यवंशी था। दे से राम बिलोंग्ड टू द सन डायनेस्टी। सूर्य को भी ग्रहण लगाए देते हैं। दे से द सन इज एक्लिप्स्ड टू। अभी तुम समझते हो। नाउ यू अंडरस्टैंड। ये देवताओं के चित्र काले क्यों बनाए हैं? Why the pictures of the deities have been made dark? क्यों बनाए हैं? Why have they been made dark? क्योंकि वाम मार्ग में गए हैं तो काले बनाए दिए। They were made dark because they went to the left path. कब गए वाम मार्ग में? When did they go to the left path? Someone said in the copper age. द्वापर में गए। Did they go to the left path in the copper age? द्वापर तो ब्रॉड ड्रामा है। In fact, the copper age is in the broad drama. असली बात कहाँ की है? The topic belongs to which time in reality? Someone said to the confluence age. लेकिन उस द्वापर में तो काले देवताएं हैं ही नहीं। But in the copper age, there aren't dark deities at all. न काले देवताएं हैं न गोरे देवताएं। There are neither the dark deities nor the fair deities there. अभी बाप कहते हैं। Now the father says. हम फिर आकर के सांवरे से गोरा बनाता हूँ। I make them fair from dark once again when I come. तो कहाँ की बात है? So it is about which time? संगमयुग में बाप आते हैं। The father comes in the confluence age. पुरुषार्थी जीवन में काले हैं। They, that is those who become deities, are dark in their purusharthi life, meaning life of spiritual effort. Purusharth sampann stage ko jata hai. When their purusharth reaches the complete stage, to gore ban jate hain. They become fair. To ye gyan ki sari baat hai. So all these are the topics of knowledge. Baki koi pani aadi ki baat nahi hai. As for the rest. It is not about water etc. सभी काम चिच्छा पर बैठ पतित बन गए हैं। Everyone has become impure sitting on the pyre of lust. इसलिए राखी बंधवाई जाती है। That is why they are made to tie a rakhi, meaning a piece of thread tied ceremonially, especially by a sister, round the brother's wrist, considering him as her protector. पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। And are asked Take an oath to become pure. बाप कहते हैं हम तो आत्माओं से बात करता हूँ। The father says, I speak to the souls. मैं आत्माओं का बाप हूँ। I am the father of the souls. हाँ? इसका बाप नहीं हूँ। I am not the father of whom? हाँ? आत्माओं का बाप हूँ। फिर किसका बाप नहीं हूँ? I am the father of the souls. Then, I am not the father of whom? जिनमें देह अभिमान रहता है उनका बाप नहीं हूँ। I am not the father of those who have body consciousness. अच्छा। माने कितने हैं? It means, how many are there? जो आत्मा बनकर रहते हैं इस सृष्टि में। Who remain soul conscious in this world? Someone said eight. माना जन्म देने वाले 4.5 लाख आत्मा बनकर नहीं रहते हैं। Does it mean that the 450,000 souls who give birth to another 450,000 souls don't remain soul conscious? 8 ही रहते हैं। Do only the 8 remain soul conscious? है? 4.5 लाख भी तो हैं। There are 450,000 souls too. आत्म की स्थिति में रहते हैं। They do stay in the soul conscious stage. तब तो आत्म की स्थिति वालों को जन्म देते हैं। Only then do they give birth to the soul conscious ones. बाकी the remaining ones जो आत्म की स्थिति धारण नहीं कर पाते हैं। Who are unable to attain the soul conscious stage. वो मेरे बच्चे नहीं हैं। Are not my children. इसलिए this is why बच्चे या रचना की परिभाषा क्या बताई? What definition of children or creation was mentioned? बच्चा कौन?
हु इज अ चाइल्ड? बच्चा बच्चा नहीं. द चाइल्ड इज नॉट अ चाइल्ड. रचना कौन? हु इज अ क्रिएशन? रचना वो जो रचयिता बाप के कंट्रोल में हो. द वन हु रिमेन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द क्रिएटर फादर इज द क्रिएशन. अगर बाप के कंट्रोल में नहीं, रचयिता के कंट्रोल में नहीं. इफ इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फादर और अंडर द कंट्रोल ऑफ द क्रिएटर. कंट्रोल से बाहर ही है. इफ इट इज सर्टनली आउट ऑफ द कंट्रोल. या अंत तक कंट्रोल से बाहर रहती है. और इफ इट रिमेन्स आउट ऑफ कंट्रोल टिल द एंड. नहीं तो बाप की उम्मीद होती है. अदरवाइज द फादर हैज होप. किसमें? फॉर हुम? बच्चों में. फॉर द चिल्ड्रन. कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगा. ही थिंक्स इफ नॉट टूडे ही दैट इज द चाइल्ड विल रिफॉर्म टूमोरो. लेकिन आज भी नहीं तो कल भी नहीं. बट नीदर टूडे नॉट टूमोरो. सुधरने वाला है ही नहीं. ही इज नॉट गोइंग टू रिफॉर्म एट ऑल. आत्म की स्थिति धारण ही करने वाला नहीं है. ही इज नॉट गोइंग टू अटेन द सोल कॉन्शियस स्टेज एट ऑल. तो 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया में. सो इन द वर्ल्ड ऑफ द 5-7 बिलियन ह्यूमन बींग्स. कितने? हाउ मेनी सोल्स आर देयर? जो अंतिम स्टेज के पुरुषार्थ तक पहुंचने पर आत्म की स्टेज धारण कर ही लेंगे और बाप की उम्मीद पूरी कर ही देंगे. हु विल डेफिनेटली अटेन द सोल कॉन्शियस स्टेज एंड विल सर्टनली फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द फादर बाय द टाइम दे रीच द लास्ट स्टेज ऑफ पुरुषार्थ. कितने हैं? हाउ मेनी आर दे? 4.5 लाख. 450,000 सोल्स. वो मेरे बच्चे हैं. दे आर माई चिल्ड्रन. और बाकी सब और रावण के बच्चे हैं. एंड ऑल द अदर्स आर द चिल्ड्रन ऑफ रावण. ओम शांति. ओम शांति.